हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नो योर यूनिवर्सिटीज़ सो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम वी हैव नॉट सीन ईच अदर फॉर नो योर यूनिवर्सिटीज़ वीडियो सो येस आई एम बैक अगैन विद अनदर यूनिवर्सिटी एंड दिस टाइम इट इज़ अ स्टेट यूनिवर्सिटी और ये है स्टेट यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की एंड द नेम इज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देवी अहिल्या विश्वविद्यालय एंड एवरी थिंग रिलेटेड टू इट दैट इज हिस्ट्री एंड कैंपस फिर uh, वहां कौन सी कौन सी स्कूल्स रन होती है और उनकी यूनिवर्सिटी uh, की रैंकिंग क्या है एलिजिबिलिटी क्या है कोर्सेस कौन से ऑफर होते हैं वाया सी टी और प्लेसमेंट रिकॉर्ड बिकॉज अगैन यू ऑल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट और यहाँ के कुछ नोटेबल एलुमिनाएं जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यूनिवर्सिटी किस अहदे की है क्या स्टेटस है इसका कितनी अच्छी है तो ये सब कुछ जानेंगे बट बिफोर गेटिंग इन टू ऑल ऑफ दैट योर जॉब इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स अप राइट सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो एंड स्टार्ट करते हैं हम यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री से और कैंपस से तो जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी फॉर्मली इसको हम डी ए वी भी बोलते हैं और ये पहले यूनिवर्सिटी ऑफ इंदौर के नाम से जानी जाती थी तो इनिशियली इसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंदौर था लेकिन अब इसका नाम चेंज होकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय रख दिया है इन इसका नाम अहिल्याबाई होलकर के पीछे रखा गया है जो कि एक एटीन सेंचुरी क्वीन थी और रूलर थी इंदौर की तो उनके नाम के पीछे इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है वो मराठा एम्पायर की एक क्वीन थी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय फॉर्मली यूनिवर्सिटी ऑफ इंदौर वॉज इस्टैब्लिश्ड इन नाइनटीन सिक्सटी फोर बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तो नाइनटीन सिक्सटी फोर में इस्टैब्लिश की गई है बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है वन ऑफ दी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी रिनोड यूनिवर्सिटी है जो भी बच्चे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं पहले तो उनके लिए एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बिकॉज एक तो स्टेट यूनिवर्सिटी है काफ़ी uh, इसका नाम भी काफ़ी अच्छा है तो ये ऑप्शन आपको आपके होम स्टेट के अंदर मिल रहा है उसके अलावा नेबरिंग स्टेट्स एंड सिटीज मध्य प्रदेश और इंदौर के आसपास की जो जगहें हैं वहां के सभी बच्चों के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन है और बाकी सबके लिए भी ऑल ओवर द इंडिया इफ यू आर वेरी लाइक फ्री टू रीलोकेट आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है आप देखेंगे अभी वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज भी ऑफर होते हैं वाया टी और तब जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन उन्हीं ने इस यूनिवर्सिटी का इनाग्रेशन किया था

कब से इसको चालू कर कर दिया था जब जिस टाइम पे इंडिया में ये कोर्सेज हुआ भी नहीं करते थे तो ये वन ऑफ द फ्यू यूनिवर्सिटीज थी जो ये करवाती थी उसके बाद में हम इसके कैंपस की बात करते हैं तो इसका जो कैंपस है वो एक्चुअली बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है थ्री डिफरेंट पार्ट्स या इनको परिसर बोलते हैं कैंपस का हिंदी नाम परिसर ही होता है तो अकेडमिक क्लासेस इसके कहाँ-कहाँ होती है एक तो इसके परिसर, यानी कैंपस में होती है जो कि एक 510 हंड्रेड एंड टेन दूसरा अवंती परिसर में होती है, जो 154 हुआ हुआ है. बड़ा सारा है इसका उसके अलावा इसका एक थर्ड कैंपस है जो कि नालंदा परिसर है विच इज प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव कैंपस है जहां पे ऑफिशियल वर्क होता है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिशियल वर्क ही होता है पढ़ाई नहीं होती है और उसके अलावा बहुत सारे एफिलियटेड कॉलेजेस भी हैं डी से तो डी के जो अफिलियटेड कॉलेजेस हैं वो बेसिकली इंडिपेंडेंट कॉलेजेस हैं बट डिग्री डी की मिलती है अपना ऑपरेशन इंडिपेंडेंटली वो कैरी uh, ऑन करते हैं बट कोर्स एंड करिकुलम वो डी का फॉलो करते हैं और राइट तो देर आर मैनी अदर ऑफ इन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी अब हम इनके कुछ स्कूल्स की बात करते हैं कि कौन से कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं डीवीवी के अंदर तो एक हम बस एक एट अ ग्लैंस देख लेते हैं आपको पता चल जाएगा कि कितने वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है आपको तो स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड फोरकास्टिंग है फार्मेसी है अकैडमिक स्टाफ कॉलेज सेंटर फॉर साइंस कम्युनिकेशन ई बिजनेस अडल्ट या कंटिन्यूइंग एजुकेशन है स्टूडेंट uh, वेलफेयर का डिपार्टमेंट है डिस्टेंस एजुकेशन है मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर है यहाँ पे फिर उसके बाद में आईटी का सेक्टर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का एक स्कूल uh, चलता है इंस्टीट्यूट चलता है मैनेजमेंट स्टडीज का इंस्टीट्यूट चलता है यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ है फिर एडवांस लिबरल स्टडीज़ है फिर उसके अलावा और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं एंथ्रोपोलॉजी बायो केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी केमिकल साइंस कॉमर्स इन सब के डिपार्टमेंट्स हैं कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक पूरा डिपार्टमेंट अलग है फिर इकोनॉमिक्स का है एजुकेशन का है एनर्जी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुका है फ्यूचर स्टडीज जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन लॉ लाइफ साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन सोशल साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स तो बेसिकली सारे ही स्फेयर्स को कवर कर रही है आपको यहाँ पे हर चीज का कोर्स मिल जाएगा क्योंकि हर डिपार्टमेंट अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है एक्चुअली बहुत वाइड रेंज ऑफ उफ कोर्सेस ऑफर करती है और इस इंफॉर्मेशन के अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि इट इज ऑल्सो वेरी फेमस यहाँ पे बहुत अच्छी सेंट्रल लाइब्रेरी है यहाँ का अपना एक एफ शो चलता है तो बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती है यहां पे सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू वॉन्ट टू परस्यू योर एजुकेशन और राइट तो अब हम देखते हैं कि इसकी एन रैंकिंग क्या है तो लेट्स टेक अ लुक एट दैट तो ओवरऑल एफ रैंकिंग जो है इस यूनिवर्सिटी की वो 101 है आउट ऑफ टू टू uh, 2023 की अगर मैं बात करूं और 151 फिफ्टी वन आउट ऑफ टू हंड्रेड में थी इसकी और अगर मैं सिर्फ बी टेक की बात करूं तो बी टेक के लिए इसकी रैंकिंग 251 फिफ्टी वन आउट ऑफ थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड है अगर मैं 2021 की बात करूं तो राइट तो एज यू नो एन आई आर एफ रैंकिंग बहुत सारे फैक्टर्स पे uh, देखी जाती है कि फीस इंफ्रास्ट्रक्चर uh, और उसके अलावा प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं अगर कोई एक एन NIR, हम एनआईआरएफ के क्राइटेरिया की बात करें टू रैंक अ यूनिवर्सिटी तो यू हैव द डेटा इन फ्रंट ऑफ यू बट उसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अच्छी यूनिवर्सिटी है काफ़ी रिनोड है यहाँ की डिग्री की भी वैल्यू है और बिकॉज ये इंदौर में इस्टेब्लिश्ड है वहाँ पे आपके पास में बहुत सारे अकोमोडेशन के भी ऑप्शन हैं यूनिवर्सिटी युन, के पास में हॉस्टल्स हैं आपको रहने की सुविधा मिल जाएगी खाने पीने का सब कुछ आपका अरेंजमेंट हो जाता है ईजिली सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ तो ये सारी चीज़ें भी आपको ईजीली अवेलेबल होती हैं इंदौर एक बड़ी सिटी है सब तो सिटी तो यस yes. अब हम बात करते हैं सी के थ्रू कौन से कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं इस यूनिवर्सिटी में विच इज ऑफ कोर्स मेन टारगेट टू नो अबाउट ताकि आपको यह पता चले कि आप क्या गोल रख सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का अगर आपको सीआईटी के थ्रू इसे टारगेट करना ही है तो आप कौन से कौन से कोर्सेज यहां से परस्यू कर सकते हैं और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है सो लेट्स टेक अ लुक इन टू दैट तो पहला कोर्स है BCA का कोर्स फोर ईयर का कोर्स है ठीक है BCA का कोर्स है फोर ईयर का कोर्स है और इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं डोमेन सब्जेक्ट सीवीटी के अकॉर्डिंग क्या रिक्वायर्ड होंगे तो सेक्शन वन ए में इंग्लिश इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट सेक्शन टू में मैथमेटिक्स होना चाहिए और सेक्शन थ्री जनरल टेस्ट तो बीसीए के कोर्स के लिए जनरल टेस्ट इज इंपॉर्टेंट इट इज नेसेसरी उसके अलावा अगर हम ट्वेल्थ की एलिजिबिलिटी की बात करें तो फिफ्टी परसेंट मार्क्स चाहिए फिर आता है, एक course, का, जो 4 का है। इसमें भी सेक्शन वन में इंग्लिश और सेक्शन थ्री में जनरल टेस्ट इट इसमें डोमेन सब्जेक्ट नहीं चाहिए कोई भी अगर हम सी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो और अगर मैं ट्वेल्थ की बात करूं तो टेन प्लस टू में आपका कॉमर्स होना चाहिए या साइंस भी चल सकता है और मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स यू शुड हैव अचीव्ड इन योर बोर्ड्स फिर आता है एक इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो कि बी एल का कोर्स है ऑनर्स में फाइव ईयर कोर्स है इसमें सेक्शन वन में इंग्लिश और सेक्शन थ्री में जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है और इस कोर्स के लिए कोई भी स्ट्रीम हो सकती है और 45 परसेंट आपके मिनिमम मार्क्स हैं ट्वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से फिर एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स बी कॉम का है दिस इज नॉट ऑनर्स दिस इज नॉर्मल बी कॉम और इसमें सेक्शन वन ए में इंग्लिश और सेक्शन थ्री में जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है और अगर मैं ट्वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अगेन कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम से आप हो सकते हैं एंड फिफ्टी परसेंट मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके फिर एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स आता है बीए का बीए ऑनर्स में हो रही है इन इकोनॉमिक्स फोर ईयर का कोर्स है ये सेक्शन वन है इंग्लिश एंड सेक्शन थ्री जनरल टेस्ट तो हम देख रहे हैं ये बीए बीकॉम वाले जो कोर्सेज हैं उनमें डोमेन सब्जेक्ट नहीं चाहिए बट सेक्शन वन में एक लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश इज कंपलसरी एंड सेक्शन थ्री सो एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू स्टूडेंट्स की जनरल टेस्ट कितना जरूरी है जनरल टेस्ट के बेसिस पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आजकल अपने एडमिशन प्रोवाइड कर रही है बहुत यूनिवर्सिटीज ने इस क्राइटेरिया को कंपलसरी कर दिया है कि जनरल टेस्ट आपका क्लियर होना चाहिए तो अगर अभी भी आपके मन में ये डाउट है कि जनरल टेस्ट आप नहीं दे या उसको आप छोड़ सकते हैं तो आई थिंक अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो भी अपने आप में जरूरी है देना और right? तो नेक्स्ट कोर्स आता है बी ए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का ये भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है सेक्शन वन है इंग्लिश एंड देन जनरल टेस्ट अगर मैं इसके ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कोई भी स्ट्रीम चलेगी विथ मिनिमम 50 परसेंट मार्क्स और ऑनर्स के लिए भी यही है कोई भी स्ट्रीम विथ मिनिमम 50 परसेंट मार्क्स आपके ट्वेल्थ में होना चाहिए 45 फाइव परसेंट मार्क्स अब तक सिर्फ एक कोर्स के लिए आया है दैट इज इंटीग्रेटेड जब अगर आपको बी एल करना है तो उसमें फोर्टी मार्क्स इज द मिनिमम लिमिट फॉर योर ट्वेल्थ क्लास फिर आता है एक इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट कोर्स मतलब कि ये अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एम का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्लस एम का कोर्स है ये मैनेजमेंट साइंस के अंदर फाइव ईयर का कोर्स है ये तो इसमें सेक्शन वन में इंग्लिश और इसमें भी सेक्शन थ्री जनरल टेस्ट कंपलसरी है तो जिन हमने कोर्सेज में देखा कि डोमेन सब्जेक्ट रिक्वायर्ड था वहां भी जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड था ही अगर मैं आपके ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो यस yes, ट्वेल्थ में भी आपको 50 परसेंट मार्क्स चाहिए यहाँ पे हर कोर्स में 50 या 45 परसेंट मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे आपके ट्वेल्थ में तो दिस यूनिवर्सिटी आल्सो टेक्स, टेक्स इनटू कंसीडरेशन कि कम से कम 50 परसेंट तो आपने स्कोर किया होना चाहिए और राइट right. फिर अगेन एक इंटीग्रेटेड कोर्स है एम टूरिज्म में है ये फाइव ईयर का कोर्स है इसमें भी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट एंड देन फिफ्टी इन योर ट्वेल्थ फिर अगैन इंटीग्रेटेड कोर्स है ऑफ एम कॉमर्स में और ये भी फाइव ईयर का कोर्स है ये भी इंग्लिश और जनरल टेस्ट ही uh, मांग रहा है सी ई पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फिफ्टी परसेंट मार्क्स इन योर और ट्वेल्थ क्लास अगैन इंटीग्रेटेड कोर्स एम बी ए फॉरन ट्रेड ये सारे इंटीग्रेटेड एम बी ए के कोर्सेज हैं अलग अलग uh, इसकी स्पेशलाइजेशन चेंज हो रही है बस फॉरन ट्रेड और इसमें भी सेम क्राइटेरिया है फिर अंडर undergrad, ग्रेजुएट का इंटीग्रेटेड कोर्स एम एस सी के साथ में है एक तो ये MBA वाला था ये एमएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स है इसमें के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं डोमेन सब्जेक्ट्स तो सेम है इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट लेकिन 10 2 की बात करूं तो वो भी भी सेम है मार्क्स ही चाहिए इसमें और राइट right, इसकी स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में हो रही है एमएससी देन एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स बी का आता है ऑनर्स नहीं नॉर्मल बी डिग्री सोशियोलॉजी में अगर आपको बी करना है तब भी वही है जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश यहाँ पे ट्वेल्थ के अंदर आपके पास में या तो सोशोलॉजी एक सब्जेक्ट या साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट या ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट होना चाहिए विथ अ मिनिमम ऑफ फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स इन योर ट्वेल्थ फिर अगर आपको बी ए साइकोलॉजी में करनी है तब भी सेम ही है इंग्लिश या फिर जनरल टेस्ट आपको क्लियर uh, करना है या फिर नहीं इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट यू हैव टू क्लियर सीई टी में एंड साइकोलॉजी सोशोलॉजी और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट विथ मिनिमम फोर्टी फाइव परसेंट मार्क्स बी ए जोग्राफी में करनी है तब भी सेम क्राइटेरिया है ऑल राइट लास्ट में आता है एक नॉट लास्ट नेक्स्ट कोर्स है यू जी का बी फार्मा का फोर ईयर का कोर्स है जिसमें सेक्शन वन ए में इंग्लिश और फिजिक्स के मैथमेटिक्स या बायोलॉजी यानी कि पी सी एम या पी सी बी इन दोनों में से uh, कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका सी यू ई टी में और इंग्लिश होना चाहिए इसमें जनरल टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड है और अगर मैं ट्वेल्थ पॉइंट से बात करूं तो आपका टेन प्लस टू विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होनी चाहिए इंटीग्रेटेड यूजी का एक और कोर्स है एम टेक बीटेक कोर्स है एम टेक बीटेक की डूएल डिग्री मिल रही है आपको फिजिक्स के मैथ इज रिक्वायर्ड एंड इंग्लिश फ्रॉम सेक्शन वन ऑल राइट और टेन प्लस टू आपकी पीसीएम में की होनी चाहिए विथ मिनिमम ऑफ फिफ्टी परसेंट मार्क्स नेक्स्ट अगेन इंटीग्रेटेड है एम टेक कोर्स विथ इन इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशल एम्बेडेड सिस्टम्स तो इसकी दो, इसकी डोमेन स्पेसिफाइड है इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशल एम्बेडेड सिस्टम में ये हो रही है ये भी फाइव ईयर की डूबल डिग्री कोर्स ही है इसमें भी आ, आपका एलिजिबिलिटी सेम ही है सेक्शन वन है में इंग्लिश देन पी सी एम डोमेन सब्जेक्ट्स और टेन प्लस टू आपने फिजिक्स के मैथ के साथ की होनी चाहिए विथ अ फिफ्टी परसेंट ऑफ मार्क्स राइट right. फिर एक इंटीग्रेटेड यू कोर्स है हमारा अगेन बी टेक एमटेक का डुअल डिग्री कोर्स है इंटरनेट ऑफ थिंग्स दैट इज द डोमेन हियर बाकी सारी रिक्वायरमेंट सेम है सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से और ट्वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सेम गोस फॉर द नेक्स्ट इंटीग्रेटेड कोर्स एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हो रही है डुअल डिग्री इसमें भी सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से एंड

ट्रेंड में है ये फील्ड और इसमें भी आपको इंग्लिश और पी सी डोमेन ही फिजिक्स सीई मैथ्स एंड इंग्लिश होना चाहिए आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट ट्वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सेम क्राइटेरिया है यहाँ पे 50 परसेंट मार्क्स विथ देन लास्ट कोर्स इंटीग्रेटेड एम ए में हो रही है ये इंटीग्रेटेड कोर्स यूजी इंटीग्रेटेड कोर्स है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में फाइव भी इंग्लिश चाहिए इसमें भी फिजिक्स बायोलॉजी होना चाहिए अगर मैं CUET से बात करूं तो क्योंकि मार्क्स होने चाहिए ट्वेल्थ में और स्ट्रीम कोई भी होगी विथ एनी स्ट्रीम तो चलेगा राइट सो या दीज आर ऑल द कोर्सेज जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ऑफर करती है वाया सी तो काफी वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज है हमने देखा कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज बहुत ज्यादा हैं डुअल डिग्री वाले जिसमें आपको अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डुअल है इज आई थिंक अ वेरी गुड थिंग अच्छा ऑप्शन है ना आपका टाइम भी सेव हो जाता है फाइव ईयर के अंदर पूरी डिग्री हो जाती है आपकी तो ये इट्स अ गुड ऑप्शन टू गो फॉर अब हम बात करेंगे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की डी ए वीवी के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स कैसे हैं और आप देखेंगे कि काफी अच्छे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स है एक्चुअली यहाँ पे तो यहाँ आपका मैं 2022 और 2023 का स्टैटिस्टिक्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी 2022 में हाईएस्ट पैकेज 56 लाख पर एनम का गया है और यहाँ पे 2023 में 11.3 लाख पर एनम का गया है और एवरेज पैकेज इज 5.57 लाख पर एनम एंड इन 2023 एवरेज इज गुड बेटर 6.32 लाख पर एनम फिर टोटल ऑफर्स की अगर मैं बात करूं तो 2022 में थोड़े ज्यादा थे कंपेयर टू 2023 बट ये डेटा चेंज होता रहता है इट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स और कंपनीज 156 कंपनीज विजिटेड इन 2022 एंड इन 2023 105 कंपनीज विजिटेड दी कैंपस अगर मैं एवरेज रिकॉर्ड की बात करूं एवरेज मीडियम सैलरी तो 2021 में 5.2 लाख ज थी, फिर इंक्रीज हुई है 5.57 और फिर नेक्स्ट ईयर फिर से इंक्रीज हुई है 6.32. तो अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है एंड 6.32 इज अ वेरी गुड एवरेज सैलरी पैकेज ऑल राइट तो आई थिंक प्लेसमेंट रिकॉर्ड काफी प्रॉमिसिंग है और आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगी कि काफी नोटेबल एलुमिनाइज भी यहाँ से पास आउट हुए हैं तो जनरल मनोज मुकुंद नाराव ने विच इज एक्चुअली ही हैज हैज द ही एन आर्मी जनरल ऑफ इंडिया प्रीवियस आर्मी जनरल ऑफ इंडिया एंड लिफ्टिनेट जनरल गुरमीत सिंह ये uh, अभी गवर्नर हैं uh, उत्तराखंड में देन सुमित्रा महाजन शी इज अ पॉलिटिशियन तुलसी सिलावत इज अ पॉलिटिशियन तो काफी नोटेबल एलुमिनाइज यहाँ से uh, निकल चुके हैं सो यस इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू इफ यू to टू गो इन दिस यूनिवर्सिटी उसके अलावा क्योंकि हम आपके लिए इतनी सारी यूनिवर्सिटी lekar लेकर आ रहे हैं आ, आपको बहुत सारे दूसरे जनरल इंफॉर्मेशन पे भी वीडियोस प्रोवाइड हो रहे हैं सो नाउ यू नोस यू इट इज हाउ इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यही ध्यान में रखते हुए वी आर ऑलवेज ट्राइविंग टू प्रोवाइड यू विद एंड वी हैव बॉट फॉर यू अ टेस्ट सीरीज तो अभ्यास टेस्ट सीरीज आपके लिए टू prepare you for CUET undergraduate courses of 2024 and ye abhyas test series aapko 199 ke andar mil jayegi for all subjects aur uh, dono languages mein available hai that is english and hindi to तो aapko science vigyan mein uh, commerce mein and arts mein teenon ती, streams ke andar dono languages mein ye available hai for just 199 rupees विच इज आई थिंक अ वेरी गुड प्राइस क्योंकि टेस्ट सीरीज ही आपको ये बताएगी आपको कंटिन्यूअस प्रेपरेशन में हेल्प करेगी आपकी और उसके अलावा एक स्कोर बूस्टर सीरीज है आपके लिए जिसमें आपको टेन मॉक टेस्ट प्रोवाइड होंगे ये मॉक टेस्ट बिल्कुल उसी तरह से डिजाइंड है जैसा आपका सी का पेपर आने वाला है तो आपको ऐसे टेन मॉक टेस्ट मिलेंगे अगेन फॉर ऑल द स्ट्रीम्स इन बोथ द लैंग्वेज अवेलेबल टू यू ओनली फॉर वन नाइनटी नाइन रुपीज सो यू कैन डाउनलोड उत्कर्ष दर्स एंड यू कैन परचेज दीज टू थिंग्स फॉर योर सेल्फ विच विल हेल्प यू टू गिव योर प्रेपरेशन एंड एज राइट सो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव दिसम्स अप एंड स्टेट यू टू आर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स थैंक यू सो मच